बेटा क्वेश्चन नंबर 27 सीखने के लिए आपको एक छोटा सा कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। वो क्या है कि जब हम किन्हीं दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है जिसको आप वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, तो रिजल्ट जो भी निकलता है वो भी वेक्टर होता है। वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी डायरेक्शन, कि डायरेक्शन क्या होगी। अगर आपको डायरेक्शन भी मिल गई तो समझिए आपका काम पूरा हो गया। अब समझिए, ये आपके पास ए वेक्टर है सपोज, और ये आपके पास बी वेक्टर है, ठीक। आप मल्टीप्लाई करते हैं ए क्रॉस बी, तो आपको जो इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी डायरेक्शन होगी वो ए और बी के नॉर्मल होगी, और ये हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। Am I right? Suppose, देखो बेटा, ये हमारा थंब है और ये हमारी फिंगर है, तो फिंगर से क्या करें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने फिगर को देखें और हमारे वीडियो को देखें तो आप क्या कर रहे हैं, ए से बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा, ऊपर हो रहा है। बेटा इसी केस में देखो, अगर हम बी को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्रीन पे वेक्टर बी को देखो और ए को देखो, अगर न्यू करते हैं तो सी वेक्टर थंब क्या आता है, नीचे आता है, ऊपर जा रहा है इसलिए इसको पॉजिटिव लेते हैं बेटा, और जब नीचे आ रहा है तो इसको निगेटिव लेते हैं। तो आप एक जान लीजिए कि सर जब हम इसको मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे मिलता था ए बी साइन थीटा, और एक यूनिट वेक्टर जिसको नॉर्मल वेक्टर कहते थे वो ए से मिलता था। ये जो नॉर्मल वेक्टर है वो डायरेक्शन बताता था कि जो हमारा रिजल्टेंट सी वेक्टर निकल रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन नॉर्मल होगी। नॉर्मल का मतलब समझ रहे, ए से भी 90 डिग्री पे होगा तथा बी से भी 90 डिग्री पे होगा। ए बी प्लेन कुछ भी है, सपोज ये ए है, एम आई राइट, और ये सी निकल रहा है, बहुत अच्छा नहीं बना है, लेकिन आप मान लीजिए कि सी जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसी प्लेन में ले लीजिए बी वेक्टर, तो बी वेक्टर से सी भी नॉर्मल होगा, एम आई राइट। फिर से फिगर देख लीजिए, इसको थोड़ा बता ले, ये ए है ये बी है। अब अंगूठा हम काट नहीं सकते, आपको दिख रहा होगा ये वेक्टर वी वेक्टर, जो रिजल्टेंट सी निकल रहा है वो ये है, एम आई राइट। राइट हैंड थंब रूल से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सी वेक्टर, तो आपको दिखाई दिया होगा, देखो ए वेक्टर से भी नॉर्मल है और बी वेक्टर से भी नॉर्मल है सी। मस्त काम बन गया आपका, अगर इतनी बात सीख गए, इसकी बात सीख गए, इसको मतलब समझ गए कि ये एक डायरेक्शन बता रहा है रिजल्टेंट वेक्टर सी की, जो कि नॉर्मल होता है ए बी के प्लेन के, यानी कि आप ए से भी 90 डिग्री, बी से 90 डिग्री। अब इस सवाल को हल करना बहुत आसान हो गया। आपने कहा अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे तो हमको क्या मिला, सपोज हमको मिला सी वेक्टर, इसका रिजल्टेंट, और सी और ए के बीच में कितना होगा बेटा, इतनी देर से बता रहे नॉर्मल यानी 90 डिग्री, यानी ए और सी के बीच का जो एंगल होगा वो नॉर्मल यानी 90 डिग्री। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, ए का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, और थीटा कितना बेटा यहाँ पे ए और सी के बीच में 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो होगा।